जय श्री गणेशी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य सिद्ध सक्सेना और आप सभी का स्वागत करती हूँ भगवान श्री गणपति महाराज से। आप सबकी मंगल कामना करती हूँ। माता काली का समस्त दिशाओं से आपकी रक्षा करें। भगवान भैरवनाथ हमेशा आपकी सभी मनोकामना को पूरा करें। गणपति आपके सभी शुभ कामों में आपके साथ हमेशा बने रहें। महादेव अपने छत्र साया में आप सबको सुरक्षा प्रदान करें और माँ बगलामुखी सभी शत्रुओं से, सभी रोगों से, सभी कष्टों से, सभी कलेशों से आप सबकी, मेरी और मेरे परिवार की, हम सभी की रक्षा करें, इसकी कामना मैं करती हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ बगलामुखी, माता काली, भगवान गणपति, भगवान शिव, भैरव बाबा, हनुमान जी आप सब पे और मुझ पे और मेरे सभी परिवार के लोगों पे कृपा बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। तो आज का वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, जैसे पति पत्नी का बहुत झगड़ा रहता है, लड़ाई रहता है, झगड़ा रहता है, गाली गलौज, मारपीट, कूट पिटाई। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि पत्नी या तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है या पति वायलेंट हो जाता है, और वायलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर में मार पिटाई, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, पुलिस तक आ जाती है कभी कभी, या सास ससुर या पति के घर के या पत्नी के घर के लोग हस्तक्षेप करते हैं बीच में। बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिस्टर्बेंस है, क्या करेंगे, उसी का उपाय बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल, ये दोनों ही चैनल मेरे हैं, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष जो संस्थान है उसको चेक कीजिए, उसमें कुछ ऐसे वीडियोस पड़े हैं जो मेरे उसमें नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप उसको देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसमें लोगों को अलग करने का, लोगों को मिलाने का और बहुत कुछ वीडियो डले हुए हैं, आप उसको देखिएगा। ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोनों ही चैनल मेरे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आपका काम चलता रहेगा, मेरा भी चलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मेरे वीडियो देख लेते हैं तो उतने ही कम लोग मुझे मैसेज करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सीखना है तो आपको 8126476399 पे या 9028822840907282840 या 8126476399 पे व्हाट्सअप करना होगा कोर्स लिखकर। फरवरी में क्लासेस स्टार्ट होंगी 25 फरवरी के बाद और फिर मार्च अप्रैल मई चलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको गहन परेशानी हो तो ही आप मुझे व्हाट्सअप करें, अन्यथा मुझे व्हाट्सअप ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, किसी भी तरह का कॉल, किसी भी तरह का मैसेज ना करें, ना करें, ना करें, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो क्या करना है आपको, अगर आप भी हैं तकलीफ में और आपके घर में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, मार्केट में नहीं, किसी गौशाला में चले जाइए जहाँ पे गाय बनती हो, गाय का गोबर उठा के लाना है, गाय का गोबर उठा लो और उसके बाद उससे कम से कम 25, 30, 40, 50, 60, 70 जितने हैं दिए बना लो बढ़िया से, गाय के गोबर का दिया बनाना है। और गाय के दिए, गोबर के दिए बनाने के बाद क्या करना है आपको, छोटे छोटे गाय के गोबर के दिए बना लीजिए, धूप में सुखा लीजिए और उनको आराम से रख दीजिए सहेज के। अब क्या करना है कि गाय के जो गोबर है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और पुराना गुड़ की एक छोटी सी डली, मतलब पुराना गुड़ ले लीजिए, उसमें छोटी सी डली डाल दीजिए और उसके मध्य में एक सरसों के तेल की बाती जलानी है। और इसको आपको आपका जो मुख्य द्वार है, यानी कि जो आपका जैसे गेट ही है, तो उसके बीच में रात को जलाना है लगभग 10 बजे के बाद, और उसमें इतना तेल भर देना कि कम से कम 3 घंटे तक जली जाए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप अपने गेट पर लॉक लगाते हैं और आपको पता है कि अब ना कोई अंदर जाएगा और ना कोई बाहर जाएगा, बस उसी समय आप एक दीपक जला दीजिए, ठीक है। शाम को जलाना चाहें तो शाम को भी जला सकते हैं, पर फिर कोई टोक देगा कि भैया तुमने गेट पे क्या जला रखा है, ये गोबर का ही क्यों जला रखा है, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते देते थक जाओगे। इसलिए आपसे कहा है कि जब सब सो जाएंगे राइट में रात को जलाना, ठीक है। रात में ज्योति जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रख देना है और उसके बाद आप सो जाओ, मध्य में रख देना, और आप चाहो तो शाम को भी जला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि रात में ही जलाओ, जला दो, अब जल जाएगा, अगर वो दिया काम में आ गया तो उसे नेक्स्ट डे फिर जला दो, जब तक वो खंडित ना हो तब तक उसे जलाते रहो, खराब हो जाएगा तो उसको आप कैरी एरी में डाल दो, क्योंकि तो गोबर है, खाद बन जाएगी, फिर दूसरा दिया निकाल लेना, इसलिए मैंने कहा था कि दिया। अच्छा एक काम और करना, ये जब ये दिया जलाओगे तो उसमें गुड़ की डली डालनी है पुरानी, और पुराना गुड़ पता है कैसा होता है, काला काला सा होता है, मतलब काफ़ी साल पुराना हो, मिल जाएगा किसी पंसारी का पुराना गुड़ पड़ा रहता है,
ये कर लो तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, कलेश कलेश जो बन जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। और यार एक काम और करो, अपने घर में ना एक सुअर का दांत आया ना, सुअर का दांत कहीं से अगर आपको पूजा पाठ किया हुआ मिल जाए ना, फूका हुआ पूजा पाठ किया हुआ जिस पे जाप जूप हो रखा हो, सिद्ध हो, ऐसा कोई सुअर का दांत अगर आपको मिल जाता है तो उसको लाके ना अपने घर के जो मेन डोर है ना उस पे बांधो, उससे भी नजर नहीं लगती घर में, हाय हाय तौबा तौबा नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो उस काम को भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ बता दी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आपको घर भी अच्छा मिल जाए, मतलब परिवार अच्छा सुकून, नया घर भी मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो शनिवार के दिन किसी नाव की जो कील होती है ना, नाव नाव होती है ना जिसमें जिसका जो हिस्सा पानी में डूबा रहता है, तो जो नाव का पानी में हिस्सा डूबा रहता है ना उसकी कील निकलवा लेना, उस कील को लेके आओ और अपने घर का जो मेन डोर है ना, मुख्य द्वार, चाहे वो लकड़ी का है चाहे वो जैसा भी है, उस पे उसको गड़वा दो, बस ठुकवाना है, मेरा ठोकना है, गड़वाना नहीं है, मेरा ठोक दो, लेकिन शनिवार को ठोकना। कील तो देखो कभी भी ले आओ, लेकिन शनिवार को ठोकना है। इससे भी क्या होगा, आपके घर में जो वो कलेश कलेश है ना वो सब खत्म हो जाएगा। इसको भी आप कर लो तो आपको फ़ायदा होगा, शांति मिलेगी। और काले तिल से अगर भगवान शिव का शिवलिंग पे अभिषेक किया जाए, काला तिल लगा दो, तो उससे पितर भी शांत होते हैं, घर में कलेश भी नहीं होता है। तो ये कुछ उपाय बताए हैं, इसे करने से आपके घर में शांति होगी, कम से कम लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुश रहिए।